close till I get up. Time is bad. वेलकम बैक टू माई चैनल. उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे. सो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगी आपके स्नैपचैट अकाउंट के यूजर नेम को लेकर. सो गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल. अब हम स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो को. सो गाइज, सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर करूँ कि अगर आप इंडिया में रहते हैं और अगर आपके पास एक स्नैपस्टार अकाउंट है तो आप स्टोरी पर अर्निंग कर सकते हैं. अगर आपके पास एक नॉन वेरीफाइड अकाउंट है और अगर आपने स्टोरी का जो क्राइटेरिया है वो कंप्लीट कर लिया है तो भी आप स्टोरी के प्रोग्राम में इनरोल नहीं हो सकेंगे, क्योंकि मैंने ये देखा है कि काफ़ी ज़्यादा ऐसे क्रिएटर हैं जो कि क्राइटेरिया कंप्लीट करने के दो दो महीने से इंतज़ार कर रहे हैं, वो स्टोरी प्रोग्राम में इनरोल नहीं हो पा रहे, क्योंकि अभी इंडिया में सिर्फ स्नैपस्टार को ही एलिजिबल किया जा रहा है स्टोरी की अर्निंग के लिए. अगर मैं बात करूँगी US की, तो US में कंपटीशन बहुत कम है, वहाँ पे क्रिएटर बहुत कम है, जबकि इंडिया में 200 मिलियन है. तो इंडिया में ज़्यादा कंपटीशन है जिसकी वजह से सिर्फ स्नैपस्टार को ही इन स्टोरी प्रोग्राम में इनरोल किया जा रहा है. जबकि USA में अगर आप क्राइटेरिया कंप्लीट कर लेते हैं, आपके पास स्नैपस्टार अकाउंट नहीं भी है तो भी आपके पास एक महीने बाद ईमेल आ जाती है, आप स्टोरी प्रोग्राम से अर्निंग कर सकते हैं, वहाँ से क्रिस्टल अर्न कर सकते हैं. अब फ्यूचर में देखना यह है कि क्या अपडेट आती हैं कि कौन कौन से क्रिएटर स्टोरी प्रोग्राम में इनरोल हो जाते हैं. अब मैं आपके साथ शेयर ये करूँगी कि अगर आप स्नैप स्टोरी प्रोग्राम से अर्निंग कर रहे हैं, आप इंडिया में हैं, US में हैं या किसी भी अदर कंट्री में हैं, तो आप अपने स्नैपचैट अकाउंट का यूज़र नेम चेंज नहीं कर सकते स्नैपचैट को ईमेल किए बिना. क्योंकि अगर आपने स्नैपचैट को ईमेल नहीं की और आपने अपने अकाउंट का यूज़र नेम चेंज कर दिया, मैं ये बात कर रही हूँ स्नैपस्टार अकाउंट की, तो आप स्टोरी अर्निंग के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे, आप डिसक्वालीफाई हो जाओगे. बहुत ज़्यादा क्रिएटर हैं जिनको ये बात नहीं मालूम कि अगर आप अपना यूज़र नेम चेंज कर देंगे उसके बाद आप स्टोरी से अर्निंग नहीं कर सकते, आप क्वालिफाई नहीं रहेंगे. इसलिए ये वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था. अगर आप अपना यूज़र नेम चेंज करना चाहते हैं स्नैपस्टार अकाउंट का, सो इसके लिए आपको एक ईमेल करनी पड़ती. ईमेल करने का तरीका इसी वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी. तो सो गाइस, वैसे आप सभी को मालूम है कि आप साल में एक मरतबा अपना स्नैपचैट अकाउंट का यूज़र नेम चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप स्टोरी से भी अर्निंग कर रहे हैं तो आप साल में एक बार भी चेंज खुद नहीं कर सकते, स्नैपचैट को आपको ईमेल करनी पड़ेगी. ईमेल का तरीका मैं अब आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर देती हूँ कि किस तरह से आपने ईमेल करनी है, अपने अकाउंट का यूज़र नेम किस तरह से चेंज करना है. सो गाइज, आप अपने स्नैपचैट अकाउंट की सेटिंग में जाएंगे, वहाँ सपोर्ट के ऑप्शन में सेकंड ऑप्शन है आई नीड हेल्प, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप सर्च बार में सर्च करेंगे स्नैप स्टार यूज़र नेम, देन आप सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने पहला ऑप्शन आ जाएगा हाउ डू आई चेंज माई यूज़र नेम इफ़ आई एम स्नैप स्टार. यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक फॉर्म पर क्लिक करना होगा यूज़र नेम चेंज करने के लिए. दिस फॉर्म पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगी आपके सामने कुछ इस तरह का फॉर्म आ जाएगा. फॉर्म में डिफरेंट ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं, आप अपने अकाउंट को किस हवाले से ईमेल करना चाहते हैं ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शन मिल जाएंगे. एक ऑप्शन आपको नया देखने को मिलेगा यूज़र नेम ट्रांसफ़र, इसको आप चूज़ कर लेंगे यूज़र नेम ट्रांसफ़र को. इसके बाद आपका इस वक्त तक यूज़र नेम क्या है आप वो यहाँ मेंशन कर देंगे. लीगल नेम में आप अपना लीगल नेम लिखेंगे जो आपके आईडी कार्ड में है. आपका कंट्री क्या है वो आप चूज़ करेंगे. ईमेल आपका स्नैपचैट अकाउंट में क्या है वो मेंशन करेंगे. और अगर आप एक अकाउंट होल्डर हैं जिसको एक एजेंसी मैनेज कर रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक एजेंसी हूँ, मैं अपने क्रिएटर का यूज़र नेम चेंज करना चाह रही हूँ, तो यहाँ पर मेरा ईमेल एड्रेस लिखा जाएगा. इसके अलावा नीचे आप देखेंगे कि मेरा उस क्रिएटर के साथ कौन सा रिलेशन है, बिजनेस मैनेजर है तो मैं यहाँ पर वो मेंशन करूँगी. मेरा फुल नेम यहाँ मैं लिखूँगी, ईमेल एड्रेस में अपना लिखूँगी, उसके अलावा कंफर्मेशन ईमेल में यहाँ पर अपना मेंशन करूँगी. डिटेल डिस्क्रिप्शन में लिखूँगी कि टीम स्नैप में अपना यूज़र नेम चेंज करना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू चेंज माई यूज़र नेम. दिस टू दिस जो भी आपका है वो लिखेंगे, उसके बाद जो चेंज करवाना चाहते हैं आप वो यहाँ पर लिख देंगे. जैसे मैंने अपना लिख दिया कि मैं ये चेंज करवाना चाहती हूँ. इसके अलावा जहाँ पर चूज़ फाइल लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर आप अपने स्नैपचैट का यूज़र नेम उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ऐड कर देंगे, देन आप सबमिट के बटन पर क्लिक कर देंगे. अगर आप स्नैपस्टार हैं और यूज़र नेम चेंज करवाना, अब आप इस तरह से अपने अकाउंट को यूज़र नेम को चेंज करवा सकते हैं. सो गाइस, इस तरीके से आप अपने स्नैपचैट अकाउंट का यूज़र नेम चेंज कर सकते हैं.
ये सिर्फ अभी स्नैपस्टार के लिए ही यहाँ पर फॉर्म अवेलेबल है। फ्यूचर में अगर कोई अपडेट आती है जो कि नॉन वेरीफाइड हैं तो उनके लिए भी फिर मैं वीडियो बना दूंगी। सो गाइज, इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो जो मेरी होगी Q&A से रिलेटेड, उसमें मैं बात करूंगी स्नैपचैट शो की, उसमें मैं बात करूंगी स्नैपचैट क्रिस्टल की, उसमें मैं बात करूंगी स्नैपस्टार रेवेन्यू स्टोरी के प्रोग्राम की। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बहुत जल्द मिलूंगी आपके साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।